हेलो एंड वेलकम टू जय स्टडी। जय स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बढ़ती रही पुकार सीएस कराएगी नई एफआर के सेशन में आज मैं 32 वीडियोस के साथ आपके साथ जुड़ चुका हूं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें मैंने आज आपको प्रोवाइड किए हैं। तो प्रश्न संख्या एक पूछा गया है कि ब्रिटेन की मुद्रा क्या है। ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी पाउंड, ऑप्शन सी दिनार, ऑप्शन डी फ्रैंक। तो याद रखिएगा, जो ब्रिटेन की मुद्रा है उसका नाम है पाउंड। तो प्रश्न संख्या एक का जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी अर्थात पाउंड इज ऑफ करेंसी ऑफ ब्रिटेन। आई वन मोर क्वेश्चन, एक और प्रश्न। प्रश्न संख्या दो, रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है। रुपए की तुलना में अर्थात जो भारतीय मुद्रा है उसकी तुलना में कौन सी विदेशी मुद्रा है जिसका मूल्य अधिकतम है, ये चीज पूछी जा रही है। ऑप्शन ए येन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑप्शन सी यूएस डॉलर और ऑप्शन डी है आपका ब्रिटिश पाउंड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात ब्रिटिश पाउंड की जगह कंपैरिजन टू रुपया, अगर हम इंडियन करेंसी के बारे में बात करें तो उसकी तुलना में ब्रिटिश पाउंड की जो मुद्रा का मूल्य है वह अधिकतम है। तो प्रश्न संख्या दो का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। वन मोर क्वेश्चन, एक और प्रश्न। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों जिसे हम NAM के नाम से कॉल करते हैं, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ गुट निरपेक्ष राष्ट्रों, का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वह कहाँ हुआ था। प्रश्न पूछा जा रहा है कि NAM का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए बेलग्रेड, ऑप्शन बी वेंदोंग, ऑप्शन सी पेंकिंग और ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन ए बेलग्रेड। बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया था। वन मोर क्वेश्चन, एक और प्रश्न। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश सीमावर्ती राज्य है। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य पूछा जा रहा है, उस राज्य का नाम पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान जो है वह उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। वन मोर क्वेश्चन, एक और प्रश्न के साथ जुड़ेंगे। भारत में वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है, अर्थात यहाँ पे वर्ष के अंतराल नहीं, यहाँ पूछा जा रहा है, मैं लिख देता हूँ आपको, कितने वर्ष के अंतराल के बाद, भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है। जैसे ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष, ऑप्शन डी 8 वर्ष। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 10 वर्ष के बाद भारत में जनगणना की जाती है। तो ये था आपका वर्दी रही पुकार जीएस कराएगी नई एफआर का 32 वीडियोस। यदि पसंद आया है लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम यदि अगर आप देख रहे हैं जय स्टडी यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू।